नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज से 13 साल पहले सुनामी ने एक साथ 14 देशों में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इस आपत के इतने साल बाद भी अभी सैकड़ों लाशों को दावेदारों का इंतजार है। वहीं एक बड़ी संख्या उन कीमती सामानों की भी है जिन पर अब तक किसी ने दावेदारी नहीं पेश की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने स्पेशल परमिशन पर 2011 में इन सामानों की फोटोज ली थी। सुनामी के 10 साल पूरे होने पर थाईलैंड पुलिस ने उस कार्गो कंटेनर को खोला था जिसमें पीड़ितों के ये लावारिस सामान रखे गए थे। इनमें घड़ियों, बौद्ध धर्म से जुड़े लॉकेट के साथ सोने की चेन, हार, कैश, पर्स और मोबाइल समेत तमाम तरह के सामान शामिल है। 3x12 मीटर का ये कंटेनर इससे पहले पहचान के लिए कई थाई पुलिस एजेंसियों में जा चुका है, जिसके बाद 2011 में इसे थाईलैंड के ताकुआ पा जिला पुलिस को सौंप दिया गया। 2011 के बाद अब पहली इस कंटेनर को रॉयटर्स के अनुरोध पर तब खोला गया है जब सरकारी नियमों द्वारा इन सामानों को नीलामी के लिए रखा जा सकता है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा था कि कंटेनर में उन पीड़ितों के ही सामान हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। बाद में आई कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे सामानों पर पीड़ितों के रिश्तेदारों ने दावा किया। थाईलैंड में सुनामी के दौरान 2,332 लापता हुए और 5,395 लोग मारे गए थे, जिनमें से करीब 400 लाशों को लेने अब तक कोई नहीं पहुंचा है। ये मेटल के तबूतों में कोड नंबर्स के साथ रखी हुई हैं। सुनामी में सभी 14 देशों के मिलाकर करीब 2,03,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।